साई ब्लॉक गांव के निवासियों ने आज जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि वे हथौल पंचायत में ही रहना चाहते हैं। साई ब्लॉक गांव के लोगों ने उपायुक्त महोदय से अपील की है कि वे नई पंचायत ग्वाल पत्थर में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि यह पंचायत 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कि उन्हें काफी दूर पड़ेगी। उपायुक्त महोदय से उन्होंने प्रार्थना की है कि वार्ड नंबर 1 साई ब्लॉक गांव के निवासियों को यथाबदित पुरानी पंचायत में ही रहने दिया जाए। नई पंचायत में जाने से उन्हें काफी परेशानी होगी। उन्होंने आग्रह किया है कि जिला प्रशासन या सरकार ने उनके इस मांग को पूरा नहीं किया तो वे आने वाले पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं ग्वाल पत्थर पंचायत के निवासियों ने मांग की है कि हथौल पंचायत के कुछ लोग हमारी पंचायत से जुड़ना चाहते हैं। वहीं ग्वाल पत्थर पंचायत के स्थायी निवासियों का कहना है कि उन्हें पता चला है कि हथौल पंचायत के कुछ लोग ग्वाल पत्थर पंचायत से जुड़ना चाहते हैं, परंतु हथौल की जो पंचायत है वो 5 वार्ड सदस्यों वाली पंचायत है, जबकि ग्वाल पत्थर 7 सदस्यों वाली पंचायत है, जिसमें ग्वाल पत्थर पंचायत में और कोई भी वार्ड ना जोड़ा जाए, क्योंकि हथौल पंचायत के 4 वार्ड ही रह जाएंगे। ग्वाल पत्थर की पंचायत 7 सदस्यों वाली पंचायत ही रखा जाए। हथौल और ग्वाल पत्थर की यदि 3 पंचायतें बना दी जाएं तो विकास कार्य के लिए अच्छा होगा। यदि 2 से 3 पंचायतें इस समय नहीं बन सकती हैं तो ग्वाल पत्थर और हथौल पंचायत की स्थिति को यथावत रहने दिया जाए, ये सबके हित के लिए ज़रूरी है। समस्या सर ये हमारी के हमारी पंचायत में पहले एप्लीकेशन लिखी गई कि पंचायत अलग होनी है, लेकिन इन्होंने पंचायत अलग नहीं की। अभी हमारे जो वार्ड है वार्ड नंबर 1 हथौल में से ग्वाल पत्थर पंचायत में कर दी है, वहाँ पे पहले ही 7 वार्ड हैं और हथौल में अभी 4 वार्ड रह जाएंगे। तो हमारी ये है कि डिमांड ये है कि वापस वहाँ पे हथौल में ही रहना चाहिए। वार्ड मांग ये करते हैं कि हमारा वार्ड नंबर 1 हथौल में ही। समस्या हमारी ये है जी कि हमें पता चला है कि हथौल पंचायत के कुछ लोग जो है वो हमारी पंचायत से मिलना चाहते हैं, तो हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ग्वाल पत्थर पंचायत के ऑलरेडी पहले 7 वार्ड हैं और हथौल पंचायत के 5 वार्ड हैं। यदि हथौल पंचायत के लोग हमारे साथ मिलते हैं तो हमारे पंचायत के कम से कम 9 वार्ड हो जाएंगे। तो छोटी पंचायत होने की वजह से विकास अच्छा होता है, 5-5 मेंबर की पंचायत है, तो 7 और 5 5 के वो 4 रह जाएंगे, हमारे 9 हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यदि छोटी छोटी पंचायतें 5-5 की बना जाएँ, 2 की 3 तो अच्छा है, वरना यथास्थिति बाहर रखी जाए, क्योंकि वो 5 के 4 रह जाएंगे, हमारे 7 के 9 हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी वार्ड को तोड़ा जाए, किसी वार्ड को जोड़ा जाए। तो यदि 5-5 की 7-5 12 दोनों पंचायतों के 12 वार्ड हैं और 3 वार्ड हम और बना लेते हैं तो 3 पंचायतें बड़े आराम से 5-5 बन सकती हैं, तो हम सहमत हैं। वरना हमारा डेप्यूटेशन कल DC साहब से मिलने आया था, परंतु महोदय हमें मिली नहीं थी क्योंकि वो कहीं मंत्री जी का प्रोग्राम तो वहाँ गए थे। आज फिर दूसरे दिन ऑब्जेक्शन हमने कल पुट अप कर दिया है और आज फिर हमारा डेप्यूटेशन मिल रहा है कि दोनों पंचायत की स्थिति जो वो यथास्थिति रखी जाए, जैसे है वैसे ही, 2 की 3 हो जाए तो ठीक है, वरना 1 वार्ड मिलने से कोई मतलब नहीं। मांग ये करते हैं हाँ जी, मांग ये करते हैं प्रशासन से, प्रशासन से मांग ये कर सकते हैं कि हम ये करते हैं कि 2 की 3 हो जाए, हथौल और गौवत्थर से 2 पंचायतें हैं, 7-5 12 3 वार्ड और बन जाए तो 15-5-5 की बना दें ठीक है, वरना हम 9 वार्ड नहीं चाहते हैं, छोटी हो जाएगी। हम किसी का भी जो रुतबा खत्म नहीं करना चाहते हैं।